जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा। नमस्कार दोस्तों, सत्यभंज हिंदी YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करते हैं सोलार स्टॉर्म या फिर सौर तूफान जिसको बोला जाता है। हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ में, जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया भी कवर किया हुआ था इस बारे में, कि सोलार स्टॉर्म एक खतरनाक सौर तूफान जिसको बोला जाता है। आप लोग पूछते रहते हैं या फिर जिज्ञासा होती रहती है आप लोगों के मन में कि मालिका में कहीं ऐसा कुछ दिया हुआ है। आइए इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे मालिका भक्त प्रहलाद नाइक जी, पहली बाबा, उस उनसे बात करने से पहले अगर आप लोग चाहे तो सोलार स्टॉर्म नासा नासा का जो रिपोर्ट है, सोलार स्टॉर्म नासा 2025 लिख के आप गूगल में ये चीज़ सर्च कर सकते हो। वहाँ से आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नासा के अनुसार सोलार स्टॉर्म का जो टाइमलाइन दिया गया है वो है 2025। दोस्तों, अगर आप लोगों को ऑलरेडी मालिका में 2025 में मीन सन योग के बारे में पता है, उस समय क्या क्या होने वाले हैं, इस बारे में हम लोगों ने पहले वीडियो में ऑलरेडी इस बारे में बता चुके हैं। पहली बाबा बताते हैं 2025 के समय सोलार स्टॉर्म होगा, इससे क्या हो सकता है। सबसे पहले सोलार स्टॉर्म का जो हीट वेव है, जो भी है, या फिर रेडिएशन है, उससे सबसे पहले सैटेलाइट्स फेल होंगे। जैसे महापुरुष ने मालिका में ये चीज लिखा हुआ है, वैज्ञानिक यंत्र मान अचल होइबो, ऐसे लाइंस कुछ कुछ है। उन सब का अगर मीनिंग निकाला जाए, मतलब निकाली जाए, तो उसका मतलब ऐसे निकलता है कि वैज्ञानिक यंत्र सब अचल हो जाएंगे, सैटेलाइट कनेक्शन ब्रेकअप हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम फेल हो जाएगा, पावर हाउस काम करना बंद कर देगा और मोबाइल हाथ का खिलौना बन जाएगा। जैसे आप लोग भी शौक हो सकते हो, महापुरुष ने मालिका में लिखा है कांच के पर्दा वाले यंत्र, जिसका हिंदी अनुवाद हम लोग आपको बताते हैं, उन्होंने ऐसे लिखा है उड़िया में, काचो परोदा, कांच के पर्दे वाला यंत्र सब खिलौना बन जाएंगे। देखो आगे क्या होता है। पहली बाबा बताते हैं और एक बात, देखिए कैसे ऋतु चक्र में परिवर्तन होने लगा है। बारिश के समय बारिश नहीं हो रहा है, प्रकृति ने अपने ऋतु चक्र को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। मानसून के जगह हमें लघुचाप, लो प्रेशर यही मिल रहा है, और वो लो प्रेशर का बारिश से काम भी नहीं हो रहा है सही से। ग्रेजुअली देखो खेती वो इफेक्टेड होते जा रहा है। ऋतु चक्र का परिवर्तन के बारे में महापुरुष लिखते हैं, समय ऐसा आएगा, नॉर्मली हम लोगों को क्या पता है 6 ऋतु होती है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शीत, वसंत, 6 ऋतु नॉर्मली होता है। लेकिन महापुरुष लिखते हैं 6 ऋतु के जगह 4-3 या फिर ऐसा समय आएगा 2 ऋतु ही महसूस होंगे। महापुरुष ने मालिका में ऐसा भी लिखा हुआ है, ज्योष्ठ मासे फुटिबो कोई, श्रावण मासे फाटिबो भूई। इसका मतलब क्या होता है, ज्येष्ठ का मतलब महीना जो होता है हमारा, जो ग्रीष्म ऋतु में ज्येष्ठ का जो महीना होता है, उस समय ये कोई एक फूल होता है पानी में, जो जैसे पद्म पद्म का जो फूल होता है लोटस, वैसे कहीं सफ़ेद कलर का होता है, वो भी वही पानी में ही खिलता है। तो ये फूल ज्येष्ठ के महीने में धूप के समय में ये फूल आसानी से खिलेगा, और श्रावण का महीना, श्रावण मासे फाटी वो भूई, मतलब उस समय भूमि फट जाएंगे धूप से, श्रावण के महीने में धूप से भूमि फट जाएंगे। ये ऐसे ऐसे ऋतु चक्र में परिवर्तन होंगे। अब देखिए पहले आषाढ़ श्रावण बारिश के महीने में आप लोगों को याद होगा मेंढक का शोर सुनाई देता था। नॉर्मली क्या होता है, ये नेचर का सिम्टम्स होता है, मेंढक अपना शोर करके न्योता देता है बारिश को कि हाँ बारिश आ गया है। अब बताओ दोस्तों, आजकल आप लोगों को बारिश में मेंढक का शोर सुन पाते हो? नहीं। दोस्तों देखो, आप लोगों को याद है चीटियां हम लोग बचपन में देखा करते थे, चीटियां लाइन करके जा रहे हैं, मेनली ब्लैक वाली, या फिर एक कीड़ा उड़िया में जिसको बोला जाता है झोड़ी पोको, वो बारिश से पहले हम घर में घुसाते थे, लाइट के पास चले जाते थे या फिर स्ट्रीट लाइट के पास जाके उठते रहते थे और वहां पे जाके अपना पंख गिरा देते थे और नीचे गिर के मर जाते थे। ये सब नेचुरल इंडिकेशन देख के हमें पता चलता था कि हाँ ये बारिश का सिम्टम्स हो रहा है, और अभी हम लोग को ये सब देखने को ही नहीं मिल रहा है, मतलब प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं। अभी आप देखो कुछ इंटरनेशनल एजेंसी का रिपोर्ट है जो बता रहे सोलर स्टॉर्म 2025
में होना है। और नासा का जो इन्फॉर्मेशन जो लीक हो गया है, उनका रिसर्च भी बता रहा है कि ये इंडिकेशन 2025 को दिखा रहा है कि ये 2025 तक ऐसा सोलर स्टॉर्म से हमारे अर्थ अफेक्टेड होने वाला है। तो ये सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि मीन सनी योग के बारे में हम लोग ऑलरेडी मालिका के बारे में आप लोगों को पता है, मालिका के अनुसार 29 मार्च 2025 से मीन सनी योग का शुरुआत होने वाला है। और इन लोगों का देखिए, ये नासा का रिपोर्ट, इंटरनेशनल एजेंसी का रिपोर्ट, ये सब बता रहे 2025 में ऐसे सोलर स्टॉर्म कुछ होने वाला है। अच्छा एक बात बताओ, इस मीन सनी को ही क्यों इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है? ये पूछ रहे हैं हमारे जो पहली बाबा जो है वो पूछ रहे हैं कि महापुरुष ने इस मीन सनी को ही इम्पोर्टेंस क्यों दिए हैं। देखिए महापुरुष एक बात यहाँ पे बता रहे हैं कि पहली बाबा बोल रहे हैं महापुरुष इसमें लिखे हैं, मालिका में ऐसा लिखा गया है, ये सब उस समय होगा जब पुरी के गजपति राजा होंगे दिव्य सिंहदेव। अभी पुरी के जो गजपति राजा है वो गजपति राजा दिव्य सिंहदेव है। मालिका कली कल्प, कल की कल्प मालिका में श्री अच्युतानंद दास जी लिखते हैं, दिव्य सिंह देव अंकरे जानो धूम के तू उदय पूर्व भागेण। इसका मतलब क्या हो रहा है? दिव्य सिंह देव के अंक में ऐसा समय आएगा एक धूमकेतु पूर्व के दिशा में उदय होगा, या फिर पूर्व के दिशा हमारे बंगोपसागर बोलो वहां गिरेगा, कुछ ऐसा इंडिकेशन महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने लिखा। अब देखिए महापुरुष जगन्नाथ दास जी क्या लिखते हैं, उनके मालिका कौली मालिका उसमें लिखते हैं, पुरुषोत्तम देव राजा ठारू उन विंश राजा हेब से ठारू। मतलब पुरुषोत्तम देव राजा से शुरू होगा, जो पुरी के इंद्रदुम्न के बाद जो पहले राजा बने वो हुए पुरुषोत्तम देव, वहां से शुरू करेंगे तो उनविंशो मतलब 19th किंग जो होंगे उनके बाद ये राजा का रिवाज खत्म हो जाएगा। अभी अगर देखा जाए, अगर आप काउंट करोगे सीरियली, तो आपको अभी के जो पुरी के जो राजा हैं श्री गजपति राजा श्री दिव्य सिंह देव, वो पुरी के 19th किंग है, 19वां राजा है। और आने वाले 2025 को मीन सनी योग पड़ रहा है, तो जितने सारे डिस्ट्रक्शन का बात और ऑलरेडी नेगेटिविटी को लेके मीन सनी आ रहा है, तो हम लोग ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि मालिका के अनुसार 2025 को ऐसे सोलर स्टॉर्म और ऐसे मीन सनी योग में कुछ कुछ नेचुरल डिजास्टर ऐसे होते रहेंगे। और ये सब महापुरुष ने 600 साल पहले मालिका में ये लिखा हुआ है। अब नासा का रिपोर्ट देखिए, बड़े बड़े इंटरनेशनल एजेंसी का रिपोर्ट देखिए, वो लोग भी बता रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है 2025 के बाद हमें इंटरनेट यूज़ करने को ना मिले। अब देखिए भगवान का नाम लेते हैं और सबका भला हो। जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री हरि।